नमस्कार दोस्तों, सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम केशव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी डीआई सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो गया या फिर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स हो गया, तो ये दोनों अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डीआई बहुत ही सिंपल और ईजी है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि इस डीआई को कैसे सिंपल वे में और ईजी, मतलब कम समय में इस डीआई को सॉल्व करें। तो ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कैसे, और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए बहुत ही कम समय में। तो पहला हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या हमारा। द फॉलोइंग चार्ट शोज द नंबर ऑफ थ्री डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, तीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चॉकलेट बार्स है, ठीक है, सोल्ड इन फोर डिफरेंट शॉप्स इन 2016। तो चार शॉप है, तीन चॉकलेट है और 2016 में बेचा गया है। तो हमारा ये चार शॉप है, शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी एंड शॉप डी। तीन चॉकलेट क्या है, डेयरी मिल्क, मंच और मिल्की बार। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट बार सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी। ए और बी का हमारा मंच चॉकलेट कितना है, एंड टोटल नंबर ऑफ मिल्की बार चॉकलेट शॉप सोल्ड बाय सी एंड डी, यानी सी और डी में मिल्की बार चॉकलेट कितना में बेचा गया। तो देखिए, ए और बी का हमारा कौन सा है, ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का है। तो हमारे ए और बी में मंच चॉकलेट कौन सा है, तो ये हमारा मंच चॉकलेट हो गया इतना, ये तो 1900 हो गया, मतलब 90 ले लेते हैं, 19 प्लस। शॉप बी में मंच चॉकलेट कितना बेचा गया, 24, तो 19 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 43, ठीक है। अब चलिए शॉप सी एंड शॉप डी में आते हैं, मिल्की बार चॉकलेट। तो शॉप सी हमारा ग्रे कलर का, यानी ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1800, 18 प्लस। शॉप डी का मिल्की बार चॉकलेट कितना, ये कितना हो गया 1600 प्लस 16, तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 34। तो 43 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी हमने दो जीरो को हटा के चला था, तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मिल्की बार चॉकलेट इन सोल्ड इन शॉप बी, ठीक है, मंच चॉकलेट बार सोल्ड इन शॉप डी एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट इन शॉप ए। तो हमारा बी है प्लस हमारा शॉप डी, ठीक है, प्लस शॉप ए है। तो बी में हमारा कौन सा चॉकलेट लेना है, मिल्की बार चॉकलेट, डी में हमारा कौन सा चॉकलेट लेना है, मंच, और ए में हमारा डेयरी मिल्क, ठीक है। तो चलिए बी में मिल्की बार चॉकलेट लेना है, तो बी का हमारा कौन सा है, ऑरेंज कलर का, यानी ये है। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ चॉकलेट बेचा जा रहा है, 18, 1800 मतलब 18 ले लेते हैं हम लोग पहले, प्लस डेयरी मिल्क चॉकलेट, सॉरी शॉप डी में मंच चॉकलेट। शॉप डी में मंच चॉकलेट कहाँ हो जाएगा, ये हमारा मंच चॉकलेट हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 18, तो मतलब 1800 हो जाएगा, प्लस शॉप ए, शॉप ए में हमारा कौन सा चॉकलेट लेना है, डेयरी मिल्क का चॉकलेट लेना है। तो शॉप ए में डेयरी मिल्क का चॉकलेट हमारा हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना है, 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड, हमको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो डिवाइडेड बाई 3, तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 36, 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 48, 48 डिवाइडेड बाई 3 यानी 16, 16 हम लोग दो जीरो छोड़ के चल रहे थे, तो 1600 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चॉकलेट बार सोल्ड इन शॉप बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिल्की बार चॉकलेट सोल्ड इन ऑल द शॉप्स टुगेदर, ठीक है। तो शॉप बी में हमारा कौन सा चॉकलेट लेना है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चॉकलेट, तो शॉप बी में हमारा कौन कौन सा चॉकलेट बेचा जा रहा है, तीनों वेराइटीज का, मतलब डेयरी मिल्क, मंच और मिल्की बार का चॉकलेट लेना है शॉप बी का। तो शॉप बी हमारा ऑरेंज कलर का है, मतलब ये 21, ठीक है, तो 21 यहाँ पे कितना है, 24 है, और ये कौन सा है, मिल्की बार कितना शॉप बी का है, 18 है। तो 21 प्लस 24 प्लस 18 हमको लेना है, 21 प्लस 24 प्लस 18 डिवाइडेड बाय इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिल्की बार चॉकलेट इन सोल्ड इन ऑल द शॉप्स टुगेदर, ऑल द शॉप्स, कौन सा चॉकलेट, मिल्की बार। तो मिल्की बार में ये कितना है हमारा, ये हमारा 16 है, ये हमारा 18 है, मतलब शॉप सी का 18, शॉप बी का 18 एंड शॉप ए का मिल्की बार कितना, मिल्की बार चॉकलेट कितना बेच रहा है शॉप ए, तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो इसका लेना है हमको एवरेज, तो सॉरी परसेंटेज, प्लस 18 प्लस 18 प्लस 16, ये हमको कैलकुलेट करना है।
तो 24 + 18 हमारा कितना हो जाएगा, 30। अगर कैलकुलेट करते 8 + 4 12, 12 + 1 13 और +2 = 4 = 5 = 6 63 हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 24 + 16 कितना हो जाएगा 40, 40 + 18 58, 58 + 8 = 66 76, यानी 76 × 100% ये हमको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हमको लेना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है, तो हमको इसको 75 मान के चल रहे हैं, तो ये 25 = 4 25 = 3 3 = 21 तो टोटल कितना हो जाएगा 80, अगर 21 × 4 कितना हो जाएगा 84%। तो अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, अगर 84% के अराउंड देखे कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो डी ऑप्शन है 83%। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही ईजी है। देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मिल्की बार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी। ओके, शॉप सी में हमारा कौन सा है, मिल्की बार चॉकलेट लेना है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मंच चॉकलेट बार सोल्ड इन शॉप बी। शॉप बी में हमारा कौन सा चॉकलेट लेना है, मंच का। तो शॉप सी का हमारा कौन सा चॉकलेट लेना है, मिल्की बार। तो शॉप सी हमारा कौन सा होगा, मिल्की बार का चॉकलेट, ये हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। शॉप बी का हमारा कौन सा चॉकलेट लेना है, मंच का लेना है। शॉप बी यानी मंच, ये हो जाएगा 24। सो 18 / 24 हाउ मच इट विल बी, ये हो जाएगा हमारा 6:3:6:4 यानी 3:4 का रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था ये तो बस 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था हमारे लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा कैलकुलेटिव, मतलब 5 out of 5 क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जो आपको कैलकुलेटिव रहेगा, तो वो देखिए। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, चलिए देखते क्या है, लेकिन है बहुत ही ट्रिकी सा, आप समझ जाइएगा अगर प्रैक्टिस रहेगा तो इजिली सॉल्व कर पाइएगा। चलिए देखते क्या, इफ द नंबर ऑफ मिल्की बार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप डी इज इंक्रीज बाय 20% एंड द नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट बार सोल्ड इन शॉप सी इज डिक्रीज बाय 25। कह रहा है कि शॉप डी में मिल्की बार चॉकलेट कितना है हमारा, पहले देख लेते हैं शॉप डी में मिल्की बार चॉकलेट कितना है, 1600 यानी 1600 हमारा 1600 मिल्की बार चॉकलेट, ये इंक्रीज हो रहा है 20%। अगर देखिए अब 20% आप अगर ऐसे लिखिएगा 120 डिवाइडेड बाय 100, अब अगर ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा 2625, ये अगर ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए 20% कितना होता है, 1/5 होता है, और लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो +1 करना है, तो कितना हो जाएगा ये 6/5, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट किया 5 × 3 = 15 = 20 यानी 6 0 12 1890 1920। तो हमारा शॉप डी में मिल्की बार चॉकलेट कितना हो जाएगा 1920 इन 20% इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, अब द नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट बार सोल्ड इन शॉप डी इज डिक्रीज बाय 25% अब इन 2017 में कम हो गया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मिल्की बार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप डी एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट बार सोल्ड इन शॉप सी टुगेदर इन 2016। तो अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया शॉप डी में ये मिल्की बार चॉकलेट कितना होगा 2017 में, लेकिन डेयरी मिल्क चॉकलेट कितना हो रहा है 25% से डिक्रीज हो रहा है। तो 25% से डिक्रीज हो रहा है, तो 25% हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 25% मतलब क्या हो गया 1/4, तो 1/4 से घट रहा है, मतलब 1 - 1/4 = कितना 3/4, तो 3/4 of what 2016 में डेयरी मिल्क चॉकलेट कितना बेचा जा रहा है, किसका, शॉप सी के द्वारा। तो शॉप सी जो है डेयरी मिल्क चॉकलेट कितना बेच रहा है 1000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, सॉरी डेयरी मिल्क चॉकलेट शॉप सी कितना बेच रहा है 1600, तो 1600 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 × 3 हाउ मच इट विल बी 1200, सो 1200 बेच रहा है। अब पूछ रहा है टोटल कितना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1200 + 1920, तो हाउ मच इट विल बी 2113 3120, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3120। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो देखिए दोस्तों कितना इजी था ये डीआई, तो लेकिन मैंने तो एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन आपको ये डीआई जो है 2 से 3 मिनट में, ये पूरे डीआई 5 क्वेश्चन जो है आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन आपको 3 मिनट में आप ये डीआई तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आपको एवरेज का कंसेप्ट सही है, परसेंटेज का कंसेप्ट सही है और रेशियो का कंसेप्ट सही है। तो आपको उस कंसेप्ट सही करने के लिए दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, और मैं कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मैं हूँ आपके साथ, आप मुझसे डेली क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बस स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी दोस्तों, और खूब मेहनत कीजिए दोस्तों। ओके गाइज।